गुरुवार को नगर आयुक्त की निगरानी में इंद्रलोक सिनेमा हॉल के पास पॉलीथीन के थोक विक्रेताओं की दुकानों में 50 माइक्रोन से कम मानक के पॉलीथीन की थिकनेस मीटर के माध्यम से जांच किया गया। मानक के अनुरूप पॉलीथीन न मिलने पर दुकानदारों से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया और चेतावनी दिया गया कि 15 तारीख से पहले पॉलीथीन और पॉलीथीन के गिलास नहीं बिकने चाहिए, नहीं तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। महानगर को जल जमाव से मुक्ति और पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन का यह अभियान आने वाले दिनों में थोक और फुटकर विक्रेताओं पर भी चलने वाला है। इस अभियान में अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, देखिए 10 माइक्रॉन का है, देखिए 50 माइक्रॉन से कम है, ठीक है 10.7 है ना। डॉक्टर साहब ले लीजिए, के बाद तो ये जितने कप और प्लास्टिक के हैं ना, हम इनसे भी पेनाल्टी लगा देंगे। 15 तक तो सिर्फ 50 माइक्रॉन से कम वाला चेक कर रहे हैं, 15 के बाद जो ये प्लास्टिक के कप है ना, ये भी बंद हो जाएंगे। कोई भी प्लास्टिक की चीज कप वो प्लेट हो, बंद हमारा पेपर गिलास भी बिक रहा है, वही हम कह रहे हैं ना। सर हम लोग देखिए, हम लोग इतना बेचते भी नहीं है, फिर कपड़े छोला बेची ना, सही आइटम बिक रहा है। जो चीज़ें हैं सब प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक का अलाउ नहीं है। ठीक है, आपके ले लीजिएगा, हमारे पास मेरी बात सुनो, हमें पैसे की बिल्कुल दरकरार नहीं है। ये तो एक आपसे चेतावनी के स्वरूप की जा रही है कि इतना जो कार्रवाई हो रहा है उसके लिए है, अदरवाइज हमें पैसा कोई महंगे नहीं रखना। कहाँ गए सब? आओ आ जाओ।
करेंगे आप लोग। चलिए किनार हो गया अंदर से ये है, निकलिए निकलिए, इसको चेक करिए, पन्नी तो है ये पन्नी ये जब करिए। दुकान वाला डिटेल बना दीजिएगा, जो जो जब हो रहा है इस तरह की चीजें सभी पहन रहे हैं। यही सब कुछ जान करना इधर ये रख लीजिए सामने रख लीजिए कई बार तो हुआ है ऐसा। ये कहाँ गए ऐसे दुकान किया सबको पता है प्लास्टिक जो है रोज ये सब उठाओ आप इतना टीवी पे उसके देख रहे हैं ये छोटी 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 वाली रोज आप दे रहे हो टीवी पे जो है आधा आधा घंटा का एड आ रहा है प्लास्टिक ये सब हटा लिए सब हटा दिए भैया इधर से करीब होगा ये डेढ़ किलो बराबर अगली बार तो हम एफ आई आर दर्ज कराएंगे 15 के बाद से मिला आज तक जो है कड्डी कंपोज नहीं होना है तो अब आपका पहला ऑफेंस ये दर्ज हो गया पहला ऑफेंस कंपाउंड किया जा रहा है ये मानते हुए कि आप जान बुझ के नहीं देंगे दूसरी बार अगर पन्नी बेचते हुए पाए गए तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एफ आई आर करेंगे और कोर्ट में फिर केस करेगा ये फर्स्ट ऑफेंस है इसलिए हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं पैसा निकालिए 5000 रुपये की पेनाल्टी सभी ने दिया है कोई यहाँ पर अकेले नहीं है कि आप अकेले बाकी सब लोगों ने दिया है सभी उसको जमा करवा और भविष्य में 15 तारीख के बाद गिलास भी नहीं बिकेगा ये बहुत स्पष्ट रखिएगा एक आदमी देख लीजिए दे रहे हैं हम लोग प्लास्टिक की पन्नी में नहीं है एक आदमी देख लें प्लास्टिक मुक्त गोरखपुर बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है और उसके लिए फाइन की व्यवस्था की गई है उसी क्रम में लोगों को सूचित करने के उपरांत आज ये अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 4 दुकानों में पॉलीथीन की बिक्री करते हुए पाया गया है इनके यहाँ से लगभग जो है 15 से 20 किलोग्राम पॉलीथीन ये जब्त किया गया है और प्रत्येक दुकान पे 5000 रुपये के हिसाब से 4 दुकानों से 20000 रुपये की पेनाल्टी वसूली गई है जुर्माना वसूला गया है विशेषकर ये गोलघर बैंक रोड इलाके को पॉलीथीन मुक्त जोन घोषित किया गया है कोई भी व्यक्ति चाहे वो उपभोक्ता हो या दुकानदार हो प्लास्टिक की थैली में न तो कोई सामान लेगा या न तो कोई सामान बेचेगा जिसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर इन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है निश्चित रूप से गीड़ा में जो है 3 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया है जो प्लास्टिक बना रही हैं इसके लिए गीड़ा के CEO को हम लोगों ने पत्र भेजा है और इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है 50 माइक्रॉन से कम की कोई भी पन्नी नहीं बिकेगी और फिर 15 तारीख के बाद से जो प्लास्टिक के गिलास प्लास्टिक के कप प्लेट वगैरह हैं इनको भी पूर्ण प्रतिबंधित किया जा रहा है जितने भी नाले हैं नाली हैं आप देख लीजिए शहर में ये प्लास्टिक के इन गिलासों की वजह से चोक हो रहे हैं जिसके वजह से हर जगह जल जमाव जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है नालों में अब सिल्ट नहीं बल्कि प्लास्टिक के गिलास और कप निकल रहे हैं तो इसलिए हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं इस पर।